गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो। जुआ हमारे साथ में जय जा रहे हैं शंकर। और इस तरफ में मुन्ना भाई, ये हमें ऊपर गाइड करेंगे कि किस तरह से और कहाँ लेके जा रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि ऊपर में एक काफ़ी सुंदर लवली सी नज़ारा डेस्टिनेशन आपका है। आसपास का नज़ारा जो है गांव से कुछ इस तरह का है। चारों तरफ में गांव से कुछ ही ऊपर पहुंचने के बाद गांव का व्यू जो रहता है कुछ इस तरह का, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और आसपास में इन पहाड़ों के बीच ये गांव है और सेब की काफ़ी ज़्यादा खेती जो है ये करते हैं और काफ़ी देर चलने के बाद अभी हम इस नेचुरल वाटर सोर्स के पास पहुंच गए हैं। और इस पानी का टेस्ट जो रहता है वो एकदम से काफ़ी अलग अच्छी है। लोकेशन है कैंपिंग करने के लिए। और यहाँ से चारों तरफ का व्यू जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। अभी थोड़ी देर में धूप भी चली जाएगी और उसके बाद तो काफ़ी ज़्यादा ठंड होने वाली है ऊपर। काफ़ी बड़ा ग्लेशियर जो है वो आता है और ये पूरा जितना भी एरिया आप देख रहे हो ऊपर तक रास्ते का, ये पूरा जाम हो जाता है यहाँ पे। काफ़ी बड़ा ग्लेशियर जो है वो खूबसूरत सी लोकेशन के ऊपर इन्होंने एक सिंगल घर बना के रखा हुआ है और अभी ये बिल्कुल सही है। और यहाँ से चारों तरफ का व्यू जो रहता है वो भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। लाइट का भी है यहाँ पे और टावर तो यहीं पे लगा हुआ है, सिग्नल की किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ आजकल कोई भी नहीं रहता है। मैं भी ऐसे चाहता हूँ कि पहाड़ों में ऐसे एक दो फ्लोरी बढ़िया सा घर, बस एक कमरा और एक किचन और आसपास की लोकेशन कुछ इस तरह की रहनी चाहिए उसकी। तो क्या बोलते हैं अजू भाई, बिल्कुल भाई, बिल्कुल शांत हो जहाँ के आप इधर बिल्कुल शांत रह सकते हैं। बाजार की भीड़ से ही काफ़ी ज़्यादा दूर पहाड़ों में बना हुआ घर है और ऐसा घर चाहिए हमें। क्या बोलते मैं, काफ़ी ज़्यादा पुराने घर हैं और ये लकड़ियों और पत्थरों से ही बनते थे मैक्सिमम। और घर के मतलब जो दहलीज होती है उसका इस कॉर्नर बॉर्डर देखिए आप किस तरह इस से घर को डिज़ाइन देखिए, किया हुआ ये है भी काफ़ी इन्होंने। पुराना है। यहाँ पे यहाँ अब लोग वगैरह नहीं रहते हैं, मतलब जो पाल वगैरह गद्दी श्यापट जो है जिनके घर है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट चले जाते हैं इस टाइम में। और अंदर में देखो आप तो कुछ इस तरह का है घर। हाँ है अंदर लाइट। अभी यहाँ पे बोन फायर वगैरह होगा तो मैं ऊपर जाऊँगा उस तरफ को मंदिर में, तो चलो चलते हैं अभी। और एक इस तरफ में ये माता सती का मंदिर होगा मेरे ख्याल से। और ये जंगल काफ़ी ज़्यादा डरावना, इसलिए मैं यहाँ से भागता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। और एक टेंपल इस तरफ में, जय कैलमराज। और पीछे में इस तरफ में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। नीचे को चलती है आपकी रावी रिवर जो कि बड़ा बंगाल से आती है और पीछे का इस तरफ में मणिमहेश कैलाश पीक रहती है। इस तरफ में बड़ा बंगाल का एरिया है और इस तरफ में लाके वाली माता का टेंपल है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे मतलब चारों तरफ में काफ़ी जगह डीप डीप गांव है, ऐसी जगह जहाँ पे अभी तक रोड नहीं है, सिग्नल नहीं है। अभी तो कुछ जगहों में मतलब यहाँ पे भी नहीं था एक टाइम पे, अभी इसी साल लगा ये नवंबर में, तो उससे पहले यहाँ पे अगर सिग्नल ऐसे वगैरह नहीं ओपन बोन रहता था। फायर और कुछ चारों तरफ का व्यू ऐसा हो तो व्लॉग शूट करने का भी और यहाँ इंजॉय करने का भी मज़ा डबल हो जाता है। और उसके बाद चलेंगे थोड़ी ही देर में। क्या बोलते हैं आप, चले, चल पड़ते हैं अब ना। काफ़ी टाइम हो चुका है और ठंड भी भाई काफ़ी हो चुकी है। अभी आप देख सकते हो क्या मैंने डाल ली है, तो निकलते हैं अब यहाँ अब तो से। ठंड लग रही है भाई। ठंड लग रही है तो चलो अब चलते हैं ना, काफ़ी टाइम हो गया। वैसे भी मन तो नहीं कर रहा है यहाँ से छोड़ के जाने का, पर टाइम हो गया है, शाम का टाइम हो गया है और हम टेंट वगैरह अपना कुछ भी नहीं लेके आए हैं।
तो यहाँ पे तो लोग है नहीं कोई भी, तो यहाँ रहने की भी दिक्कत है। फिर गांव में चलेंगे नीचे के लिए। घर में बैठेंगे, खाना पीना जो भी शाम का रहेगा वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। और एक बार यहाँ के चारों तरफ का व्यू का नज़ारा ले लीजिए आप। धूप जो है ऊपर ऊपर पहाड़ों में थोड़ी थोड़ी बची है और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ये देख पा रहे हो आप, ये सूखा मीट है और इसमें चने वगैरह मिक्स करके और इस तरफ में खाने के लिए सेब। तो करता हूँ मैं अपना डिनर एंजॉय। का दिन जो था काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। इस तरह से गांव में हम अपना दिन जो है वो स्पेंड करते हैं।